राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेश बघेल पर छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा बरकरार है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, मैं भाजपा के नेताओं और मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ, ईडी आईटी के इस्तेमाल के सिवाय और क्या किया है। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, मोदी सरकार की ओर से बेहतर कार्य करने के लिए भूपेश सरकार को 65 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ऐसे में भूपेश सरकार पर भाजपा नेताओं को सवाल उठाने का मतलब ही नहीं रह जाता। धीरे धीरे आज ये आधुनिक संचार के युग में काफी फीडबैक आप लोगों से मिल जाता है। जो मित्र जाते हैं दिल्ली से, विभिन्न राज्यों में होके आते हैं, उनसे बहुत कुछ मिल जाता है। लगभग एक राय बनती जा रही है, होता है राजनीति, एक यूं और फिर ये गिरावट। तो भाजपा के बारे में इन पांच राज्यों में, एक में तो है ही नहीं है, मिजोरम में एक सीट है, चार राज्य जो बचे और वो एक सीट जो है मणिपुर का इम्पैक्ट ऐसा पड़ रहा है कि शायद भाजपा वहां शून्य पे आ जाए। ये शुभ लक्षण है कि तेलंगाना में जिसने जन्म दिया था तेलंगाना को, सोनिया गांधी जी गई थी, एक ऐसी बयार वहां चल निकली है कि शायद कांग्रेस की वहां जबरदस्त वापसी हो। जबरदस्त इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं भी आज इस स्थिति में नहीं हूं कि आपको बता सकूं बहुमत के बाद कितना, पर वहां भाजपा विलीन सी हो गई है, वो ये नहीं तय कर पा रही है कि वीआरएस को समर्थन दे जिससे कांग्रेस को रोक सके या खुद लड़। छत्तीसगढ़ मुझसे बेहतर आप जानते हैं, यहां बघेल सरकार के वापसी में कोई बाधा दिखाई नहीं पड़ रही, बघेल सरकार की वापसी हो। मध्य प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं लड़ रही है, वहां की जनता का प्रदर्शन क्या है कि भाई शिवराज को पूछना पड़ रहा है, भाइयों बहनों बताओ मैं लड़ूं या ना लड़ूं। इतना तय है कि जब मैं नहीं रहूंगा तो बहुत याद आऊंगा। अब उन्होंने बात ही शुरू कर दी जब मैं नहीं रहूंगा, तो उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। राजस्थान जहां से मैं सांसद हूं, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मैं राजस्थान का कर रहा हूं, मैंने काफी व्यापक रूप से राजस्थान को देखा है। पहली बार वहां है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं गहलोत सरकार के खिलाफ, और गहलोत सरकार दोबारा वहां वापस आई। हमने तो अपने झगड़े सुलझा लिए पर उनके झगड़े अब बढ़ गए। राजस्थान की ये पांचों राज्यों की पिक्चर है, तस्वीर है, चूंकि मैं आज आपके बीच में हूं तो मैं यही कह सकता हूं। कल रात में भी बहुत देर तक मैं भी मैच देखता रहा, क्योंकि मैच भारत बांग्लादेश का था और एक स्टेज पे तो कभी ऐसा नहीं लगा हम हार जाएंगे, लेकिन फिनिश ऐसी होगी ये शायद आशा बहुत कम लोगों को रही होगी। तो मैं यही इसको अगर क्रिकेट की भाषा में कहूं तो 5-0 से भाजपा की हार तय। चार राज्यों में हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे। मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि मिजोरम में अगर हम अपने दम पे नहीं बना पाए तो अलायंस के साथ बनाए, पर पांचों राज्यों में भाजपा कहीं वापसी की राह पे नहीं।
जिसका जिक्र हो रहा था राजस्थान, वहां भी अब वो घबराहट है। तो जितने सूरमा थे, जितने सेनापति थे, उनको युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। आप क्या भी कुछ सांसद चुनाव लड़ रहे, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में थे ही नहीं तो रिपीट करने का सवाल नहीं, मिजोरम में रिपीट करें। ये एक तरह से केंद्रीय मंत्रियों को उतार देना, ये घबराहट प्रदर्शित करता है भारतीय जनता पार्टी। पर मुझे एक बात बड़ी अजीब सी लग रही है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के जो नेता गण आते हैं बड़े बड़े, एक तो यहां पड़े ज्यादा समय दे रहे हैं, और ये कहा जाता है दिल्ली की राजनीति में कि जो राज्य हार रहा होता है उसमें अमित शाह जी को भेज दिया जाता है कि वो चुनाव की तैयारी न करें, चुनाव के बाद की तैयारी करें।